नमस्कार, मैं बॉबी झा, एमएनएस न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की खास खबर। राजस्थान के सामने दमदार मुंबई को रोकने की चुनौती, जानिए किसका पड़ रहा भारी। मुंबई इंडियंस की टीम जब शनिवार 20 अप्रैल को आईपीएल 2019 के 36वें मैच में राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ उसके घरेलू मैदान में उतरेगी तो उसके पास इस सीजन में पहली बार पॉइंट्स टेबल में टॉप पर आने का मौका रहेगा। आमतौर पर सीजन की धीमी शुरुआत करने वाली मुंबई इंडियंस की टीम ने इस सीजन में जबरदस्त शुरुआत करते हुए 9 में से 6 मैच जीत चुकी है और उसका प्लेऑफ में पहुंचना लगभग तय है। रोहित शेखर की मौत पर पत्नी से पूछताछ कर रहा है क्राइम ब्रांच। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाने से हुई थी मौत। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी के बेटे रोहित शेखर तिवारी की मौत गला दबाने से या मुंह एवं नाक बंद करने के चलते दम घुटने से हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि इस प्रकरण की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है। शनिवार को क्राइम ब्रांच के अधिकारी रोहित शेखर की पत्नी अपूर्वा से पूछताछ कर रहे हैं। सबसे पहले अपूर्वा ने ही रोहित शेखर को अचेत अवस्था में कमरे में देखा था और आनंद फानन अस्पताल पहुँचाया था। गौरतलब है कि रोहित शेखर तिवारी की मंगलवार को मौत हो गई थी। पुलिस उपायुक्त विजय कुमार ने बताया कि दक्षिणी दिल्ली के डिफेंस कॉलोनी निवासी रोहित को शाम करीब 5 बजे अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो एमएनएस न्यूज लाइव की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।